बड़े सरकारी अस्पताल डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के जूनियर डॉक्टर अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चले गए हैं। करीब 300 जूनियर डॉक्टरों की सेवाएं बाधित होने की वजह से करीब 1000 मरीज प्रभावित हो रहे हैं। हालांकि जूनियर डॉक्टरों ने फिलहाल इमरजेंसी सेवा जारी रखने की बात कही है, लेकिन इस चेतावनी के साथ ही कि यदि उनकी मांगों पर सरकार जल्द फैसला नहीं लेती है तो इमरजेंसी सेवाएं भी ठप कर दी जाएंगी। बता दें कि स्टाइपेंड बढ़ाकर 7वां वेतनमान दिए जाने और डॉक्टरों को सुरक्षा मुहैया कराने, स्वास्थ्य का बजट बढ़ाने और सीसीयू समेत ट्रॉमा सेंटर में 24 घंटे सुरक्षा गार्ड की तैनाती, सभी वार्डों में सीसीटीवी कैमरा और स्टाफ की कमी दूर करने जैसी कई मांगों को लेकर जूनियर डॉक्टर आंदोलनरत हैं। और हड़ताल पर जाने से पहले जूनियर डॉक्टरों ने मंगलवार की देर रात स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव से बातचीत भी की थी, लेकिन बातचीत में फिलहाल कोई भी हल नहीं निकला और उसके बाद ये हड़ताल पर चले गए। तुरंत बाद मेन डिमांड है, एक तो है हमारी सिक्योरिटी का जो बहुत सालों से चलते आ रही है, अभी भी सिर्फ आश्वासन ही मिला है, और दूसरा है हमारा स्टाइपेंड का जो हम लोग 2-3 साल से लंबित चल रही है, वो भी चीज़ें यही दो मेन हमारी डिमांड है। और इसके लिए हम लोग मंत्री जी से मिलने गए थे, तो एज यूजल पहले भी जो आश्वासन ही मिला था कल भी वही मिला हम लोग को, तो हमारे पास इन सब हड़ताल में उतरने के अलावा कोई रास्ता नहीं बचा था, इसलिए अब इस चीज़ के लिए हम लोग हड़ताल। हमारी सरकार से डिमांड ये है कि जब हम एडमिशन ले रहे थे MBBS में, तब हमसे कंपलसरी रूरल सर्विस का बॉन्ड भरवाया गया। विद ड्यू टाइम हमको पता चला कि इस बॉन्ड के तहत अगर हम MBBS के तुरंत बाद PG एंट्रेंस एग्जाम निकालते हैं तो, या रूरल सर्विस के दौरान PG एंट्रेंस एग्जाम निकालते हैं तो हमें जाने नहीं दिया जाएगा। तो हमारी पहली सरकार से डिमांड यही है कि अगर हम PG एंट्रेंस एग्जाम MBBS के तुरंत बाद निकालें या फिर रूरल सर्विस करते हुए निकालें तो हमें हमारी ओरिजिनल डिग्री के साथ जाने दिया जाए।